नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। बीजेपी ने 2 मार्च को लिस्ट जारी कर लोकसभा चुनाव के 195 प्रत्याशियों के नामों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद से ही चुनावी गलियारों में हलचल मच गई है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में कैसरगंज से लोकसभा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम शामिल नहीं किया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी ने इस बार ब्रजभूषण का पत्ता काट दिया। जहां ये सवाल है कि बीजेपी कैसरगंज से किसे टिकट देगी, वहीं जब अखिलेश यादव से इस बारे में बीते दिनों सवाल किया गया था कि क्या आप ब्रजभूषण को टिकट देंगे, तो उन्होंने इशारों में साफ जवाब दे दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। इसी दौरान बीजेपी ने जहां 2 मार्च को अपनी पहली सूची जारी की, वहीं कांग्रेस ने उसके ठीक एक हफ्ते बाद 8 मार्च को 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की और फिर बीते मंगलवार को कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कैसरगंज के बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को अभी तक बीजेपी ने टिकट नहीं थमाया है। इसी दौरान जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से कुछ दिनों पहले इस बारे में सवाल किया गया था कि ब्रजभूषण को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो क्या सपा उनके नाम पर विचार करेगी, जिसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर मानेंगे तो देंगे, अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो आप कह रहे हैं इसलिए मैं दे दूंगा। बीजेपी ने विवादों में घिरे अपनी कई सांसदों का टिकट काटा है। बताते चलें कि पहली सूची में प्रज्ञा ठाकुर से लेकर रमेश भिदोड़ी, प्रवेश वर्मा समेत 3 सांसदों के नाम शामिल है, लेकिन कैसरगंज सीट पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। साथ ही बता दें कि ब्रजभूषण का गोंडा से लेकर अयोध्या तक, यानी गोंडा, कैसरगंज, श्रावस्ती और फैजाबाद सीट पर काफी प्रभाव है, लेकिन कैसरगंज से बीजेपी के सांसद रहे ब्रजभूषण पर गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगे हुए हैं। दरअसल कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर देश में काफी लंबे समय तक पहलवानों ने आंदोलन भी किया, जिसके बाद बीजेपी सांसद पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इसी के चलते ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।